नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज देखिए दोस्तों, हमारी शादी का सालगिरह था तो इसलिए हम आए थे वहाँ पे माता का दर्शन करने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर का पूरा। ये देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ बाबा श्री देव महाराज का वो है। ये छोड़ दीजिए, ये है माता जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं हम लोग का दर्शन हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं घर पे, वहाँ चलकर चूल्हा पूड़ी यही सब बनेगा और घर में परिवार है उन लोग के साथ पार्टी, थोड़ा सा छोटा सा पार्टी मनाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्याज है, लहसुन है और अदरक मिर्चा मूली ये सब जो है कि छोले में पड़ेगा। काटने के बाद छोला जब तड़का लगाया जाता है उसमें डाला जाएगा। धनिया का पत्ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है हमारे यहाँ, देखिए अभी जो है काबुली चना उबलने जा रहा है। काबुली चना जब उबल जाएगा तो उसके बाद इस पर बनेगा छोला, उसके बाद बनेगा पूड़ी, बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक तो जो है कि प्याज लहसुन सब कट चुका है। अब जो है देखिए दूध जो है कि निकाला जा रहा है। निकालने के बाद दूध खुला करके इसमें सेवई बनेगा। सेवई बनने के बाद फिर छोला, अभी देखिए अभी कुकर में मटर उबल रहा है, काबुली चना है मटर नहीं, उबाला जा रहा है। अब ये देखिए दूध को चढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे घर में एक कार्टून बच्चा है जो कि पूरे डब्बे को उठा रहा, नहीं उठ रहा है तो उसको जबरदस्ती उठा रहा, रोते हुए देखिए बाहर जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ आटा सन रहा है, ये आटा सना रहा है, उसके बाद पूड़ी बनेगा। तब आगे दिखाते हैं फिर वीडियो में क्या हो रहा है। हाँ बोलो, अजवाइन रिफाइन डाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी भतीजी है, देखिए कैसा लग रही है बुड्ढो का चश्मा लगा करके, बुढ़िया दादी लग रही है। देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पूड़ी बेला जा रहा है, ये हमारी तो दोस्तों देख सकते हैं पूड़ी बेला जा रहा है, पूड़ी बेला जाएगा तो इसके बाद ये आपको आगे दिखाते हैं पूड़ी यहाँ छना। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी छन रहा है, ये छानने वाली अलग है, बेलने वाली अलग है। एक तरफ कुकर में जो है कि छोला मटर उबल चुका है, उबल करके रखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए बाबू पूड़ी बेलने के लिए कितना मार कर रहा है। ये देखिए छोटी सी बच्ची जो है, जो हमारी भतीजी थी, देखिए कितना बढ़िया तरीके से पूड़ी बेल रही है। अभी से सीख लेगी तो इसके जब इसका शादी भी होगा, जब अपने ससुराल जाएगी तो बड़ा अपने मम्मी पापा का बहुत काम करेगी। अरे बोलते हैं सुख दे ना, दिक्कत का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी बिला चुका है और अभी पूड़ी बिला चुका है, अभी लास्ट पूड़ी देखिए यहाँ पर जा रहा है कढ़ाई में छनाने के लिए। देखिए लास्ट पूड़ी ये छन रहा है, जितना बचा है यही लास्ट बचा है, इसके बाद छोला बनेगा। दोस्तों देख सकते हैं ये काबुली चना है, इसी का छोला बन रहा है और देखिए इसमें जो है कि सबसे ज्यादा पड़ेगा, इसका तड़का देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्याज जो है कि प्याज इसमें धुल करके कुकर को गैस पे चढ़ा दिया गया है, कुकर को गैस पे चढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें जो है कि तेल डाल दिया, तेल पड़ गया नहीं भी। ये देख सकते हैं कुकर में तेल पड़ रहा है, अब
अब इसको गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल करके प्याज को भूजा जाएगा। ये देख सकते हैं ये प्याज कुकर में डल गया है, तो डाला जा रहा है प्याज को कुकर में। अब इसको भूज करके इसके बाद इसमें मसाला वसाला डाल करके मिक्स करके इसको बनाया जाएगा, फिर आगे वीडियो में हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि छोला में मसाला वसाला पड़ चुका है। अब इसको जो है कि चलाया जा रहा है। चलाने के बाद इसको जो है जब मसाला भुजा जाएगा तो इसमें फिर जो है कि मटर डाल करके फिर मिक्स मसाला को मिक्स करके हल्का पानी डाल के इसको जो है सीटी मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये मटर जो है छोला जो है कि मतलब काबुली चना जो है इसमें कुकर में डाला जा रहा है, और इसमें जो है कि अब देखिए इसको मिक्स किया जाएगा मसाला में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, देखिए अपना सर ठोक रहा है, इसके सर में दर्द हो रहा है तो सर ठोक रहा है। हाँ या क्या एक्शन है, क्या बाबू क्या कर रहे हो चाचा हाँ ताता। तो भैया आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भोजन बन चुका है। अब ये देखिए हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, ये खाना परोस रही हैं। देखिए छोला पूड़ी, यहाँ पर चावल है, सुबह का बचा हुआ चावल था तो उसको भी खा लिया जाएगा। ये है तो दोस्तों देख सकते हैं अब खाना पीना हम लोग का हो चुका है। अब लास्ट काम बचा है, देखिए लगभग रात को 11:30 बज रहा है। अब बर्तन हम लोग को इसी समय मांजना धुलना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि सुबह में पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसलिए बर्तन को इसी समय धुल करके रखना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि ये बर्तन यहाँ पर मांजा जा रहा है, बर्तन मांजा जाएगा तो उसके बर्तन रखने के बाद चलेंगे सोने, क्योंकि लगभग रात को 11:30 पौने 12 बज रहा है।